उपस्थित हुए हैं, हम इसी रात में जो लोग ही हैं इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा उन्हें भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब उन गाँव के बहुत क्रांतिकारी साथी हैं हमारे, जहाँ भी लगा दो वहाँ बहुत मेहनत के साथ में इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। आज जो पार्षद आए हैं उनका अभिनंदन मंदिर करते हैं, और साथ में जैसे कि सीमा जी ने कहा, क्योंकि सलवार का कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम के बाद में होगा, सभी लोग सलवार लेके जाएंगे। ये कार्यक्रम विषय जो सम्यक अभियान का विषय है, भास्कर राव रूपी जी आनंद वाले जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी बात रखेंगे, और मंच पर जो अतिथि लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन अतिथियों से आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष कैसे आदरण में गुरु मंत्री किसी गगन सिंह जी, मार्गदर्शक रूप में हमारे संसदीय सचिव अजय सिंह राधा जी उपस्थित हैं, हमारे उस पर उन्होंने ध्यान देने का काम किया, उसको ठीक करने का प्रयास।
संसदीय सचिव रहे आदरणीय दादा अजय सिंह जी, मंचासीन हमारे कुशवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष जो भोपाल से चल के हमारे साथ में आए, वो भी नौजवान है, नौजवानों की चिंता करते हैं, योगेश कुशवा जी, मंचासीन हमारे आदरणीय लक्ष्मण सिंह गुर्जर साहब रिटायर्ड किए थे, था दो तीन बार पर्चे हो चुका करवाई हमारे हमारे यार, ये हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही, ये बड़ी महाराज निर्वेश मीणा जी, अशोक कुशवा जी, अच्छा विकास शर्मा जी तो हमारे दोस्त है पुराने, अरुण यादव जी के टाइम से हम लोग बहुत पुराने साथी हैं, विकास शर्मा जी और हमारे बड़े भाई और हमारे गुरु बृंदवान महाराज जी, हमारे प्रमोद महाराज जी जो मंच पर बैठे हैं, साबिर भाई, आबिद हुसैन जी, और कोई नाम रहेगा, अरे हाँ आदरणीय विद्या जी बैठी है मंच पर, और हमारी एक और क्रांतिकारी नेता जो जिला पंचायत की अभी सदस्य बन के आई है, इधर आइए सीमा जी, आइए, अभी रोकड़े साहब आपकी आवाज सुन के तारीफ कर रहे थे कि देखो लड़की की आवाज में क्या खनक है, इनके लिए एक बार योगदान हमारे संतोष महाराज जी जिन्होंने सक्रिय
जब भी नौजवान कहता है कि भैया रोजगार दे दो, हमारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा के हमें ये तैयार नहीं किया,
सजीना जी, लक्ष्य हमारी कार्यकर्ता है, आपकी एक रश्मि छवि है, जोरदार नारे लगाएंगे, सब लोग नारे लगाएंगे, मैं जो बोलूंगा उसको बोलेंगे सबके कभी संतोष शर्मा जी,
एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी माता एवं भाइयों, युवा साथियों, आज इस अभियान में, इस कॉन्फ्रेंस में एक नई बात मेरे सामने आ गई है। पहले उसी बात को बोलना पड़ेगा। ये संकल्प जरूरी है। सम्मानित दामोदर यादव जी, आपने एक टास्क और दे दिया वादियों के बारे में। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, युवा साथियों के लिए जो संकल्प आज किए जाएंगे, यदि उन संकल्पों को उस समय कुछ पराधीन सरकार पूरा नहीं करती है, तो मैं भास्कर राव रोकड़े अपने साथियों सहित बागियों के साथ करने तैयार रहूंगा, दागियों के साथ नहीं। क्योंकि मुझे बागियों से प्यार है, दागियों से नहीं। युवा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या बेरोजगारी को कोई धुरकी बजाते खत्म कर सकता है? क्या बेरोजगारी को ऐसी बीमारी है जिसकी की दवा की दुकान में दवा मिल जाए और उसको दूर किया जा सके? क्या बेरोजगारी ऐसी कोई समस्या है जिसके निदान के लिए किसी मंच से घोषणा कर बहुत पूरा हो जाए? यह संभव नहीं है। लेकिन बेरोजगारी लाइलाज बीमारी भी नहीं है। सर्वप्रथम यदि कोई भी बीमारी होती है, हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो बीमारी के मूल कारणों को कहीं ना कहीं बताते हैं कि हमें कहाँ दर्द हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या है, तब डॉक्टर उससे अनुरूप दवा देता है। पहले बीमारी का पता लगाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट करने के लिए। यहाँ बड़ी खुशी की समस्या है। मैं बेरोजगारों के बीच गया, बेरोजगारों से मैंने बात की, आप बताइए उनके समस्या क्या है। तो बेरोजगार साथी भी पहले महंगाई की समस्या गिनाएंगे, भिन्न भिन्न तरह की समस्या गिनाने लगते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेरोजगारी की बात जल्दी नहीं करते, और जब बेरोजगारी की बात करते भी हैं तो उनसे पूछो कि भैया ये बताओ, ये बेरोजगारी इतनी टीका की स्थिति में कैसी पहुंची, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? उनके पास कोई जवाब नहीं आता। और वो उस तरीके का जवाब देते हैं जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हो, किसी बीती बातें पुरानी बातें, उसका कोई और कारण नहीं है। हमारे नेता लोग आते हैं, लंबे छोटे भाषण देते हैं, उन भाषणों से कुछ अंश वो भी ले लेते हैं और उन्हीं बातों को बोलते हैं। मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल बात, समस्या का होना जितना दुखद नहीं है, उससे अधिक दुखद, उससे अधिक कष्टकारी, उससे अधिक चिंतनीय विषय यह है कि उस समस्या से ग्रस्त लोगों को समस्या के कारणों का पता नहीं है। तब मैंने इसके बारे में गहन अध्ययन शुरू किया। कई मुद्दों पर जानकारी एकत्रित की। मैं इस सब्जेक्ट के लिए काम कर ही रहा था, शिक्षित बेरोजगारियों के लिए कुछ काम कर ही रहा था कि एक आईएएस अधिकारी, जो मैं नहीं जानता किस कारण से मुझे गुरु मानने लगे थे, उन्होंने मुझसे आग्रह कहा किया कि सर आप मेरे जिले में चलिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन आ रही है, हम उस दिन वृद्धजनों का अभिनंदन करेंगे। मैंने उनसे पूछा मेरा क्या काम वहां, उन्होंने कहा आप उनके हाव भाव को पढ़ेंगे, उनके चेहरे की खुशियों को देखेंगे तो निश्चित रूप से अब तक आप 30 किताबें लिख चुके हैं, यह 30वीं किताब उन वृद्धजनों की खुशियों पर केंद्रित होगी। बहुत कुछ आग्रह के बाद में जाने तैयार हुआ। युवा साथियों, मेरा आग्रह है कि आप आपस में चर्चा न करें, इन बातों को सुने, इससे आप लोगों के जीवन में भारी बदलाव आने वाला है।
मैंने देखा वह अपना दंपत्ति अपने घर के सामने रुकी, उनके बेटा बहू ने उनका स्वागत किया। वे जाकर सामने रखी जाता खुशिया थी उसमें बैठ गए। उन्होंने मुझे देखा, बैठने के लिए कहा, मैं भी थोड़ा दूर कुर्सी करके नहीं बैठे। थोड़ी देर शांत बैठ के देखता रहा कि आगे क्या हो जा रहा। बेटे ने पिता से कहा, दादू प्रसाद नहीं ना? पिता से कहा कुछ जीना पड़े। पुनः उस बेटे ने कहा, दादू प्रसाद दे। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आया, अचानक वह व्रत चलाने लगा, अजीबो गरीब हरकतें करने लगा, हाथ पाँव नानो भटक रहे हैं, इस टाइप की होने लगी और कहने लगा, वाह देता हूं प्रसाद देता हूं देता हूं ना प्रसाद, क्या रहा है जिंदगी में। हो गया तीर्थ यात्रा करके आ गया। अरे वो भला हो सुमन कुमार का, भला हो सुमन कुमार का जिसने मुझे तीर्थ यात्रा करा दिया। अरे निकम में तेरे को मैंने इंजीनियरिंग तक पढ़ाया, सोचा भी नहीं था। मेरे पास ना 8 बीघा जमीन थी, 4 बीघा जमीन दिखवा दिया। बार बार पैसे मांगता है, हर बार कहता है मेरे को नौकरी लग रही है, जाता है 4-6 महीने नौकरी करता है, हाथ में कुछ भी लेके नहीं आता, उल्टा कर्ज लेकर आता है, फिर पैसे की मांग करता है। मैं तंग आ चुका हूँ तेरे कारण। अरे निकम्मे मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ से तेरे लिए पैसा लाऊँ। अच्छा हो गया कि उस श्रवण कुमार ने मुझे तीर्थ यात्रा करा दिया, अब मर भी जाऊँ तो मुझे कोई तर्क नहीं पड़ता, किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी और अब मर जाना ही ज्यादा अच्छा। यदि किसी युवक के सामने उसके पिता उसे डांटने लगे, आसपास कोई ना हो, वह युवक चुपचाप बता देता है, बात को किनारे कर जाता है, चले जाता है। लेकिन सामने कोई बैठा हो तो वह बहुत अधिक परेशान हो जाता है, अपमानित महसूस करने लग जाता है, उत्साह की स्थिति में आ जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यही हाल उस युवक के साथ हुआ। इन बातों को सुनते हुए युवक रोने लगा, बेचैन सा होने लगा, उसके चेहरे के भाव बताने लगे कि वह बहुत अधिक उतना अवस्था में आ गया है, यह भी संभव था कि वो जी पड़े। यह देख मैं बेचैन हो गया और उस युवक को गले से लगा, उसे ढाढ़स बताने लगा। ढाढ़स बताता क्या, मेरे पास उस पशु की कमी थी, बस मैंने इतना ही कहा, बेटा चिंता न कर कुछ अच्छा होगा, परेशान मत। लेकिन ज्यादा बोलने की हिम्मत मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मेरा गला भराया था, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। क्यों न हो, जब मैं उस युवक को गले लगा रहा था, जब मैं इस युवक को गले लगाया तो देखा कि सामने की पत्नी जो साथ देता पहले शादी में की मां वो खड़ी थी, वो शिशक शिशक कर रो रही थी, वह अभी यज्ञ तक थी। मैं पास में बुलाकर उसे भी ढाढ़स बताने लगा, लेकिन मैंने उन वृद्ध दंपतियों से पूछना शुरू किया, काका आप ये बताइए आपके बेटे को निकम्मा किसने बनाया, ये तो इंजीनियरिंग तक पढ़ा है, अच्छे अंक भी लाया है, बहू भी एमबीए तक पढ़ी है, इसके लिए कई अवसर मिल नहीं रहे हैं, खुद आपको तीर्थ यात्रा पर ले जा देता और एक नहीं ले जा पाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अपने घर
चाहते कि आपको नव संकल्प के साथ जुड़ना। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इसमें से कई युवा साथी उस समस्या से ग्रसित हैं, बताना अत्यंत अनिवार्य। रीवा क्षेत्र के रहने वाले एक युवक मेरे पास आ